दोस्तों ये है यमहा MT-15 BS6 मॉडल, जिसे 2020 मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलता है BS6 इंजन का अपडेट। और BS6 इंजन अपडेट आने के बाद में कंपनी ने इसमें काफी कुछ नया बदलाव किया है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कंपनी ने इसमें क्या नए फीचर्स अपडेट किए हैं, क्या नया बदलाव किया गया है और अब आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कितने रुपए में देखने को मिलने वाली है। तो ये सारी चीजें हम आपको आज डिटेल में बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमोद कुमार और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल राइडर एकेबी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो स्क्रीन पे आपके सामने है यमहा MT-15 BS6 मॉडल और ये नेकेड स्पोर्ट बाइक श्रेणी में काफी ज्यादा प्रीमियम बाइक है, क्योंकि इसका जो लुक मिलता है वो आपको काफी ज्यादा क्लियर लुक इसमें आपको देखने को मिलता है। अगर हम फ्रंट से इसके लुक की बात करें तो इसमें आपको रोबोटिक लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे से जो इसका शेप मिलता है पूरी तरह से रोबोटिक लुक मिलता है, जो कि इसके लुक को और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। और जो स्क्रीन पे आप कलर देख पा रहे होंगे ये है आइस फ्लू वर्मिलन कलर, जिसे आप मैट लाइट ग्रे मेटालिक कलर भी कह सकते हैं। और ये एक इंटरनेशनल कलर है जो कि इंडिया में पहले नहीं मिलता था, बट कंपनी ने इस कलर को भी इंडिया में अब लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा इसके दो कलर और आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको डार्क मैट ब्लू कलर देखने को मिलेगा और मेटालिक ब्लैक देखने को मिलेगा। ये कलर जैसे ही एजेंसी उपलब्ध होंगे हम आपको उसका भी वीडियो बना के दे देंगे। चलिए बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, बट सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं, तो गौर से सुनिएगा। इसकी एक्स शोरूम प्राइस 1,40,900 रुपए देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज में। वहीं अगर हम इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 1,65,000 से 1,70,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगी इलाहाबाद प्रयागराज में। तो ये थी इसकी एक्स शोरूम और ऑन रोड दोनों ही प्राइस। और अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो हम फ्रंट से शुरू करते हैं। तो फ्रंट में जो आपको ब्रेक मिलता है, यहाँ पे आपको काफी बड़ी साइज देखने को मिल जाएगी डिस्क की। 282mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। तो गौर कीजिएगा, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट अभी भी देखने को नहीं मिलेगा। और वहीं अगर हम फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको 100x80 के 17 इंच के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलॉय का कलर आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का देखने को मिलेगा, जैसा कि KTM में देखने को मिलता है, तो इसके लुक को ये और भी ज्यादा प्रीमियम बनाता है। वहीं अगर हम फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिल जाएगा। तो सस्पेंस क्वालिटी और ब्रेक क्वालिटी आपको काफी ज्यादा जबरदस्त मिलेगी। और यहाँ फेंडर पे आपको कार्बन फाइबर जैसा लुक आपको देखने को मिल जाएगा। गौर कीजिएगा, ये कार्बन फाइबर जैसा है बट कार्बन फाइबर नहीं है। इंडिकेटर आपको रेगुलर डिजाइन के मिलेंगे, जो कि बल्ब वाले ही हैं, काफी प्रीमियम लगता है। और ये है इसका हेडलैम्प, जो कि आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। और ये हेडलैम्प काफी ज्यादा प्रीमियम और काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ऊपर आपको पोजीशन LED लैम्प भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं इस बाइक को। रियर सेक्शन में अगर हम रियर टेल लैम्प की बात करें तो रियर में भी आपको LED टेल लैम्प देखने को मिलेगा। पूरी गाड़ी में आपको इंडिकेटर को छोड़ के बाकी सारी लाइट आपको LED देखने को मिल जाएगी। रियर के जो इंडिकेटर है वो भी आपको रेगुलर डिजाइन के मिलेंगे, इसमें आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी। रियर में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है और उसके नीचे आपको नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है फेंडर पे ही फाइबर के। तो गौर कीजिएगा कि अगर आपका नंबर प्लेट टूटने ना पाए, नहीं तो ये आपके फेंडर को भी तोड़ देगा। साइड में आपको साइड रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इसके BS6 के अपडेट में आते हैं। और ये साइड रिफ्लेक्टर BS6 की सारी बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं। रियर ब्रेक की बात करें तो रियर में आपको 220mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, बट इसमें आपको ABS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम इसके रियर टायर की बात करें तो रियर में आपको 140x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा। और गौर कीजिएगा, ये सुपर वाइड रेडियल टायर है और रेडियल टायर हर हिसाब से बेहतर माने जाते हैं, चाहे आप ऑफ रोडिंग करें या रेनी टाइम हो, ये हर हिसाब से बेहतर माने जाते हैं। इसके साइड में आपको एक ग्रैब रिल देखने को मिल जाएगा दोनों ही साइड, जो कि इसके लुक को भी काफी बेहतर बनाते हैं और इसमें आपको काफी ज्यादा एक मजबूत पकड़ भी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ सीट काउल के नीचे आपको यमहा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, इसमें आपको सीट टेकन देखने को नहीं मिलता है। और ये है इसका सीटिंग कंफर्ट, जो कि आपको काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है। बट एक चीज का गौर कीजिएगा गाइस, कि ये सिंगल राइडर के लिए परफेक्ट है मेरे ख्याल से। अगर आप मोटे हैं तो आप सिंगल राइडिंग ही कर पाएंगे, पिलियन राइडर के लिए आपको थोड़ा सा पिलियन राइडर को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीट की लंबाई दी गई है वो आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आप गौर कर लीजिएगा, अगर आप सिंगल राइडिंग के लिए इस बाइक को परचेस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। और ये है इसका मीटर कंसोल, जो कि आपको LCD स्क्रीन की तरह देखने को मिलने वाला है। ये LCD इंस्ट्रूमेंट मीटर कंसोल है, जैसा कि आपको R15 में देखने को मिलता है, सेम टू सेम वैसा ही आपको मीटर कंसोल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सारी चीजें डिजिटल देखने को मिलती है। ओडोमीटर, टैकोमीटर, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीजें आपको डिजिटल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको नई चीज देखने को मिलेगी, वो है इंजन मॉल फंक्शन लाइट, और ये इंजन मॉल फंक्शन लाइट BS6 की सारी बाइक में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं
अगर हम स्विचिंग क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्विचिंग क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंडल बार पे आपको लो बीम, हाई बीम, पासिंग स्विच, साइड इंडिकेटर स्विच और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है। और यह है इसका मिरर जो कि आपको रेगुलर डिजाइन में देखने को मिलेगा, जिसके साइड पे आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी फाइबर की, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लगती है। और वहीं अगर हम इसके राइट हैंडल बार की बात करें तो राइट हैंडल बार पे आपको इंजन क्विल स्विच के साथ पावर सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। तो स्विचिंग क्वालिटी इसमें आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। और यहाँ देखिए ये है इसका इग्निशन जहाँ पे आप अपना चाबी लगा सकते हैं। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक इसमें आपको काफी ज्यादा मस्कुलर देखने को मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक पे आपको काफी ज्यादा बेहतरीन एक ग्राफिक देखने को मिल जाता है, जो कि MT15 का पहचान है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑरेंज कलर की स्टिकरिंग में, और उसके नीचे आपको यमहा की ब्रांडिंग मिल जाती है और उसके साइड में आपको MT15 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो फ्यूल टैंक पे आपको काफी ज्यादा बेहतरीन ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको मिलता है फ्यूल इंजेक्शन सप्लाई सिस्टम, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो इंजन में इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग के अकॉर्डिंग सप्लाई होता है। तो इंजन को उतना ही फ्यूल सप्लाई होता है जितना इंजन को जरूरत होती है। तो इससे जो फायदा होता है वो ये होता है कि अब आपको इसका माइलेज थोड़ा सा बढ़कर देखने को मिलने वाला है। माइलेज की बात हो ही रही तो मैं इसका आपको माइलेज बता दूं, तो इसमें आप 45 से 50 का माइलेज आसानी से पा सकते हैं। बट अगर आप एक अच्छी राइडिंग करते हैं तो आप 50 से 53 का भी माइलेज आसानी से पा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके इंजन के बारे में, तो इसमें आपको 155 सीसी का 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन देखने को मिलता है। तो गौर कीजिएगा, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, तो आपके इंजन की जो हीटिंग की प्रॉब्लम है वो आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलने वाली है। जो मैक्स पावर मिलता है इसमें आपको वो है 18.5 PS की 10,000 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो है 13.9 न्यूटन मीटर का 8,500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क इसमें आपको काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल जाएगा। वहीं ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीड गियर देखने को मिल जाएंगे, यानी 6 गियर में आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है। और यहाँ इस साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको मिलता है कैटलिटिक कन्वर्टर, जो कि इसके साइलेंसर पे है। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा साइलेंसर देखने को मिलता है, ये कैटलिटिक कन्वर्टर है जो कि BS6 की पहचान हो चुकी है। और BS6 की सारी बाइक में आपको ये कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जो कि आपके इंजन से जो NOx गैस का उत्सर्जन होता है उसके उत्सर्जन को ये रोकता है। तो अब आपकी बाइक पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री हो चुकी है। और इसमें आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको जो इसकी स्मूथनेस मिलेगी वो आपको काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक चीज और देखने को मिल जाएगी, वो है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम, जिसकी वजह से अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है और आप अपना साइड स्टैंड लगाते हैं तो आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए काफी ज्यादा बेहतर अपडेट है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसकी जो लंबाई है वो आपको 2020 mm, चौड़ाई 800 mm, हाइट 1070 mm, सीट हाइट 810 mm, व्हील बेस 1335 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, और जो इसका ओवरऑल वेट मिलेगा वो आपको 138 kg का देखने को मिलने वाला है, यानी 138 kg की ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये थी इस बाइक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपनी तरफ से एक लाइक करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।